बहुत ही शॉर्ट में भाव को याद रखने की और समझने की कोशिश करेंगे। तो जो ये भाव आते हैं, ये रस के अंग इसको कहते हैं, या तो फिर भाव भी कहते हैं। ये चार प्रकार के होते हैं मेनली, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो इसमें सबसे पहला जो स्थायी भाव है, इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि स्थायी भाव यानी कि जो परमानेंटली हमारे मन के अंदर होते हैं, और जैसी भी परिस्थिति आती है उसके अनुसार ये आते हैं। और जैसे कि 11 रस होते हैं, तो 11 रस, हर रस का अपना स्थायी भाव होते हैं, तो इनकी संख्या 11 हो जाएगी। तो 11 स्थायी भाव होते हैं। जैसे कि सुना होगा, श्रृंगार का रति होता है, हास्य का हास होता है, ऐसे तो ये स्थायी भाव होते हैं, है ना। अब जैसे कि क्रोध हो गया, अब ये जो है दूसरा है विभाव, यानी कि कोई रीज़न तो होगा उसके आने का। जैसे कोई भी स्थायी भाव आ रहा है तो विभाव को ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि जो भी रीज़न रहा होगा उस स्थायी भाव को आने का। तो इसके भी फर्दर दो क्लासिफिकेशन है, आलंबन और उद्दीपन। तो आलंबन के दो प्रकार है, आश्रय और विषय। तो यदि किसी व्यक्ति को देख करके हमारे अंदर जैसे कोई मान लो प्रेम भाव आता है, कि किसी को देख किसी व्यक्ति को देख करके जैसे प्रेम भाव आया, तो आलंबन के दो प्रकार आश्रय और विषय हो जाएगा। तो जिसके मन में आ रहा है प्रेम भाव, वो आश्रय आलंबन हो जाएगा, और जिसको देख कर आ रहा है विषय आलंबन हो जाएगा। उसके बाद जो दूसरा प्रकार है उद्दीपन, ये बताता है कि यदि किसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति को देख करके हमें कोई स्थायी भाव आ रहा है, यानी कि मान लो किसी व्यक्ति को हमने देखा और हमें अच्छा लगा, प्रेम की अनुभूति हुई या क्रोध की अनुभूति हुई, तो एक स्थायी भाव को उसने जन्म दिया, तो ये उद्दीपन विभाव हो जाएगा। ऐसे ही किसी वस्तु को, मान लो कोई वेजिटेरियन है और नॉनवेज नहीं खाता, तो उसको और नॉनवेज देख करके गुस्सा आ सकता है, या उसकी कोई प्रिय वस्तु देख करके उसे खुशी हो सकती है। किसी परिस्थिति को देख करके आपको स्थायी भाव आ सकते हैं। इसके बाद अनुभव, अब आ तो गए, अब उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, व्यक्त कैसे करते हैं, तो वो अनुभव कहलाते हैं। जैसे कि मान लो किसी को दुख हो रहा है, तो वो व्यक्त कैसे करेगा, रो कर, तो रोना अनुभव हो जाएगा। तो जैसे दुख का एग्जांपल लें शुरू से, तो अगर दुख हो रहा है तो दुख होना मतलब दुख का स्थायी भाव देखेंगे। इसके बाद उसका विभाव किस कारण से हो रहा है, किसी व्यक्ति के कारण से हो रहा है, वस्तु के कारण या किसी परिस्थिति के कारण, यानी कि यदि किसी की मृत्यु हो जाती तो एक परिस्थिति हो गई तो उसके कारण भी दुख हो सकता है, तो ये विभाव हो जाएगा। और अनुभव, अब उसको दुख तो हो गया, वो रिप्रेजेंट कैसे करेगा, तो रो करके आंसू से, तो आंसू से व्यक्त करना अनुभव हो जाएगा। अब ये तीन तो अलग हो गए। अब संचारी भाव क्या होता है, कि जो पानी के बुलबुले की तरह जो भाव आते हैं और कुछ क्षण रहते हैं और चले जाते हैं, या इन्हें व्याभिचारी भाव भी कहते हैं। ये टोटल 33 टाइप्स के होते हैं, इनकी लिस्ट है, सर्च करने पर आसानी से मिल जाएगी, तो वो याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो स्थायी भाव में अब क्या हो जाएगा, थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं। तो स्थायी भाव में क्या डेफिनेशन कर लेंगे, स्थायी भाव मन की उस स्थिति को कहा जाता है जो किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति किसी विशिष्ट दशा में उत्पन्न हो, है ना। यानी कि रति यानी श्रृंगार, हास, शोक, उत्साह, क्रोध, भय, घृणा, विस्मय, निर्वेद, या ये स्थायी भाव है। इसके बाद अब आ तो गया है किस कारण से आए, देखेंगे तो रीज़न विभाव कहलाता है। तो ये आलंबन और उद्दीपन हमने देखा अभी, कि किसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति के कारण आ रहा है क्या। इसके बाद तीसरा हो जाएगा हमारा अनुभव। अब आ तो गया है तो प्रेजेंट कैसे करेंगे, तो जैसे रो करके, जैसे भय होगा तो भय में कांपेंगे, स्वर भंग हो जाएगा, मूर्छा, पसीना आ सकता है ये। इसके बाद जो है संचारी भाव 33 प्रकार के होते हैं, तो इसका एग्जांपल देख लेंगे, निर्वेद,
शंका होती है, हमको कभी डाउट हो जाता है किसी पे, किसी चीज़ पे, और फिर चला भी जाता है। ग्लानी होना, दुख होना, फिर हर्ष एकदम से खुशी हो जाना, आवेग, सब संचारी भाव 33 प्रकार के होते हैं।